आप देखिए इन, इन इन ये भी क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप में होगी, पी बटा किसके रूप में होगी, क्यूब के रूप में, दशमलव के रूप में है। तो इसका देखिए यहां पे इन चारों का देखिए तो इन चारों का पी इनके क्यू से छोटा है, और इसका देखेंगे तो इसका पी इनके क्यू से क्या है, बड़ा है। मतलब कि अंश इनके हर से छोटा है यहां पर, यहां पर अंश इसके हर से क्या है, बड़ा है। ध्यान दीजिए भैया, जब अंश हर से छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं समभिन्न। क्या कहते हैं? समभिन्न। जब अंश हर से छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? समभिन्न या इवन फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन। इसको एक और नाम जानते हैं, उचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं। किस भिन्न के नाम से? उचित भिन्न। और जब अंश हर से बड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं ऑड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होती है। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक टॉपिक भिन्न से और कंप्लीट करना है जिससे आपका एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए वो टॉपिक क्या है। ठीक है, सारे बहुत छोटे टॉपिक हैं, बस वन बाय वन आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, इससे बाहर प्रश्न आएगा भी नहीं। तो ध्यान दीजिए जरा, जैसे मान लीजिए 22/7 है, 22 बटा क्या है, 7। तो 22 क्या है? अंश, और 7 क्या है? हर। और आप जानते हैं कि 22 को विभाजन में हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य, और 7 को क्या बोलेंगे? भाजन। अब लिख दीजिए। अच्छा, हम लिख देते हैं कि 22 भागे क्या, 7, भागा देते हैं तो 7 त्रिके 21, शेषफल क्या बचा? 1। सही बोल रहे हैं? तो अब यार ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस 7 को अब क्या बोलेंगे, याद है? भाजक। 22 को भाज्य, भागफल, गुणनफल और शेषफल। मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, मैं लिख रहा हूं 22 बराबर क्या, मैं लिख सकता हूं 21+1, ये गुणनफल प्लस शेषफल, लिख सकता हूं। चलिए अब इस 22 को हम लिख सकते हैं, गुणनफल किसका किसका है? 7 और 3 का, तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे क्या, 3, और प्लस क्या, 1। हम दोनों तरफ 7 से भागा देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 22 बटे कितना, 7, और ये हो जाएगा 7 गुणे 3/7 और प्लस 1/7। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब यार ध्यान दीजिए भैया, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 22/7 बराबर 3+1/7। सही बोल रहे हैं? अब दिखे रहा है ना कि 22/7 को 3+1/7 लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर जितने भी ऐसे भिन्न हैं जिनका पी उनके क्यू से बड़ा है उनको इस रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ आई? यहां पे हम करेंगे क्या, इसको वापस लाने के लिए 7 त्रिके 21, 7 में 3 का गुणा, और 3 21 और प्लस क्या, 1, 22, 22 बटा क्या, 7। अब हमने इसको धीरे धीरे इस प्लस को डिफॉल्ट में रख लिया, जैसे कि आप अभी भाग देते समय 22 में 7 का भागा देंगे तो 7 त्रिके 21, और यहां पे डिफॉल्ट में माइनस है, तो क्या उस माइनस को आप लिखते हैं? कभी नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार इस प्लस को हटा के हम क्या मान लें कि यहां पर क्या है, प्लस डिफॉल्ट में है, यदि हटा लें तो हम इसको लिखेंगे 3 सही 1/7। क्या लिखेंगे? 3 सही 1/7। तो ये भिन्न इस भिन्न में एक भाग पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं है, और दूसरा भाग क्या है, भिन्न है। बात समझ में? इसलिए इस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। इस पर एक प्रश्न आया, अब इस पर प्रश्न क्या आया था, जरा ध्यान देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस पर क्या प्रश्न आया था, आपके टेट में आया था, 1 सही 1/4 प्लस 11 सही 1/4 प्लस
111 सही 1/4 प्लस 1111 सही 1/4 का उत्तर कितना होगा? दोस्तों वीडियो पॉज कर लीजिए और एक मिनट में हमको इसका उत्तर जो है कि बताइए सॉल्व करके। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको देखिए, हम यदि हम 3 + 1/7 को 3 सही 1/7 लिख सकते हैं तो 3 सही 1/7 को वापस 3 + 1/7 नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। इसी प्रकार उसको हम लिखेंगे 1 + 1/4 प्लस 11 + 1/4 प्लस 111 + 1/4 प्लस 1111 + 1/4। अब देखिए 1/4 1/4 2/4 2/4 1/4 3/4 और 3/4 1/4 4/4 और 4/4 बराबर क्या होता है 1। अब प्लस ये कितना 1 है 4, ये कितना है 3, 2 और कितना है 1। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। तो जटिल भिन्न के प्रश्न को ये तरीका हमारा उसको क्या बना सकता है, आसान बना सकता है। तो इस हिसाब से हमें मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है और उसका क्या प्रयोग है आप समझ गए होंगे। तो भिन्न का एक और प्रकार है, कौन सा प्रकार है, मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न, क्योंकि इसमें एक भाग पूर्णांक होता है और दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है, सम भिन्न होती है। क्लियर है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न।